अब ऐसा करो, 2 किलो बंद गोभी और 1 पाव अदरक भी तो लो। अब्बा जी, अब्बा जी, खैर है, पीछे ही आ गया। खबर ही ऐसी है अब्बा जी, धमाकेदार। जानता हूं, इरफान गिरफ्तार हो गया है। आपको कैसे पता? जानने के लिए जो इम्तिहान देना पड़ता है वो मैं दे चुका हूं। समझा नहीं, चले मैं थाने जा रहा हूं। खबरदार, खबरदार अगर तूने वहां जाने की कोशिश की। भाजी लेकिन क्यों? मैं उस शेर को गीदर बना हुआ देखना चाहता हूँ। शेर शेर होता है बेटा जी, भले वो पिंजरे में कैदी क्यों ना हो। भाजी आप मुझे डरा रहे हैं क्या? नहीं, बता रहा हूं। वैसे भी जो शख्स इतना नुकसान उठा के कुछ ना सीखे, उसे बताने की नहीं सिर्फ देखने की जरूरत है। आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं क्या? या बेटा जा, या घर जाके आराम से बैठ। वैसे भी तू अगर वहां गया तो तुझे किसी ने थाने में दाखिल नहीं होने देना। लो जी गोभी कहां है? अम्मा, अम्मा आपको पता है इरफान को पुलिस ले गई है। कोई काम करवाना होगा। नहीं अम्मा, उसे गिरफ्तार करके ले गई है। उनको भी तलाक देकर आजाद हो जाएगा। हर किसी का नाम अफीरा नहीं होता। लेकिन वो तो इरफान ही है ना। मुझे देखने आया था वो जेल में, अब मैं जाऊंगी उसे देखने। वाह, खुदा भी क्या क्या दिखाता है। खुदा तो रोज दिखाता है, हम कभी कभी देखते। मेरी दुआ बस एक ही दुआ है, खुदा करे वो कभी छूट ना सके। छूट गया ना तो खुदा की मर्जी पर शुक्र करना। अम्मा आप तो ये दुआ करें कि वो कभी ना छूटे, ऐसे ही जेल में सड़ सड़ कर मर जाए। अभी नहीं मरेगा। तो जैन और मनाल को रुला के मरेगा। मैं जा रही हूं अम्मा, मुझे देखना है उसे। ना जाओ। क्यों? इतनी देर बाद खुशी मिली है तो मैं ना लूं? वो आजाद होकर तुम्हें फिर मारेगा। अब उसके साथ होगा अम्मा, आजाद होकर भी आजाद नहीं होगा। अब देखना। कह तो तुम हो आजाद होकर भी, और वो तो कैद होकर भी आजाद है। कैसा महसूस हो रहा है इरफान साहब? क्या ख्याल है, यहां पे घास उगा दें ताकि कैदियों को ठंडी हवा भी मिलती रहे? तुम्हें देख के इस बात का यकीन हो गया है कि बहादुर होने के लिए बेवकूफ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वाकई वो कैसे? तुम्हें अकल थोड़ी दूर से छू के भी गुजरी होती तो तुम ये हरकत कभी ना करते। वैसे इरफान साहब तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मेरा और अकल का 36 का आंकड़ा है। अभी तो मैंने वो हरकतें करनी है कि तुम तो हैरान रह जाओगे। हैरान तो तुम्हें होना है, सच हो बस बस थोड़ी देर हो। चलो जितनी देर हो तब तक मैं अपनी बारी ले लेता हूं। अच्छा ये बताओ कि कौन सी दफा चलेगी, लंबे अरसे के लिए जाना है या ये कोई 1-2 साल के लिए? ओए तुम कुछ नहीं कर सकते हो एसएचओ, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है।
मेरी औकात ये कानून है और खुशकिस्मती से वो अंधा है, इसलिए उसके आगे बढ़ के मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अंधा हाथ चलाता है तो फिर ये नहीं देखता कि किसका चेहरा है, उसे अपना निशान अगले के गाल में छोड़ना होता है। सर, वो हेड ऑफिस आपकी गाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, एसएचओ कादर। हाँ, बात करवाओ। तूने सही कहा था कि कानून अंधा है, मगर जरूरी नहीं कि हर बार अंधे को कोई ना कोई गाल मिल जाए निशान छोड़ने के लिए। ये क्या हो गया सर जी? वही हुआ जो होता है। ये तो अपने हिस्से की चित्रोल खाए बगैर ही चला गया। ए, फ्रिज में रख दे इसके हिस्से की चित्रोल ताकि बासी ना हो जाए। आएंगे इसे जो इसके लिए पकाया है वो तो ये यहीं खा के जाएगा। अगर आप इरफान साहब से मिलने के लिए आई हैं तो आप 5 मिनट लेट हो गए हैं। क्या मतलब? जमानत कबल से गिरफ्तारी करवा के चला गए हो यहाँ से। क्या? बहुत बुरा हुआ। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्यों भाई, हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, ऐसे कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है वो? हाँ तो बाकी रह क्या क्या खत्म कर देने वाला है? मौत के दुख भी इतने ज्यादा नहीं होते जितने इस काम के हुए। मुझे इरफान से मिलना है। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दो। मनाल कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कर लोगे तुम? जादू करोगी इसमें?
आपसे माफी मांगूंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी। मनाल, मनाल हम ऐसा कर लेते अगर ऐसा करने का कोई असर होता। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है ना, तो उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आप लोग प्लीज ले जाएं मुझे उसके पास, चाहे वो मुझे मार दे। क्या हो गया मनाल? अफीरा कुछ समझाओ इसको प्लीज। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है वहां पर। मनाल मत बनाओ तमाशा, पहले क्या तमाशे कम हुए हैं जो तुम्हें और नए तमाशों की जरूरत पड़ गई है? अजी तमाशे खत्म करने ही जा रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा वहां खुद, लेकिन इस वक्त खामोश होकर बैठ जाओ, समझी? चलो जैन बेटा, तुम्हें तो पता है जमीनें हमारी इतनी है नहीं कि हम सबका गुजारा उस पर चल सके। जानता हूं बाजी, वैसे भी वो जमीनें इरफान के इलाके में ही हैं, हम उनका कुछ खास कर भी नहीं सकते। एक बाग का ठेका लिया था मैंने, सो उसने वो भी कैंसिल करवा दिया। मुझे तो लग रहा है महीने दो महीने में फाकों की नौबत ना आ जाए। तू पता नहीं कब कुछ करेगा। अबा जी मैं कर ही तो रहा था अपना काम, बस ये इरफान। ओ यार कब तक इस बहाने के पीछे छुपेगा, कब तक? ना अगर रेडियो स्टेशन में नौकरी ना मिली तो क्या तू घर बैठ जाएगा? देख बेटा, अगर अल्लाह ने तुझे अच्छी आवाज दी है तो वही कर ले जो तेरा दिल करने को चाहता है। हालात तो तेरे सामने हैं, नौकरी से तो मैं फारिग हो चुका हूँ। पहले मैं कुछ कर लेता था, शायद महीना दो महीने और भी घर चला लूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तो ही फाकों की नौबत होगी, या फिर अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राबिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपको तो हमारे घर की दीवारें भी जानती हैं। आई आई, मैंने सोचा कि मैं आपको इतना इंट्रोडक्शन करा ही दूं, शायद आप भूल गए हो। वैसे भी बुजुर्गों को भूलने की आदत होती है। काश सब कुछ भूल जाए, याददाश्त कभी कभी बहुत बड़ा इम्तिहान भी बन जाती है। सही फरमाया, लेकिन जब हम चीजों को किसी और रुख से देखने लगते हैं तो उनका मतलब ही बदल जाता है। मैं समझा नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? मरियम की तलाक की। क्या कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। देखो बीबी, हमारे लिए तो ये मौत से भी बड़ा गम होता है। अब पता नहीं आपके यहाँ शायद तलाकों पे खुशी मनाई जाती हो। जब आपको किसी मुसीबत से निजात मिले तो क्या कहते हैं? शुक्र अल्लाह तेरा। इसी तरह जब कोई झूठा रिश्ता खत्म हो जाए ना, तब भी खुशी होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। झूठा रिश्ता कैसे? वो बीवी थी उसकी। झूठा ही तो था वो, जो किसी और शख्स के कहने पे अपनी बीवी को तलाक दे दे। उससे बड़ा झूठा दो नंबर फ्रॉड शख्स कौन हो सकता है? आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आपकी बेटी की जान छुट गई, जिंदगी भर के धोखे से बच गई। अभी माशाल्लाह से जवान है, 100 अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, सच्चे और ईमानदार लोग हैं अभी। आंटी आप आए अंदर, मनाल से मिलवाता हूं आपको। मैं आती हूँ, पहले मैं तुम्हारे अब्बा जी का मुंह तो मीठा करा लूं।
मरियम कहाँ है? इधर आ। अब्बा जी पुराने ख्यालात के मालिक हैं, बुजुर्ग जमाने के साथ तो नहीं चलते बल्कि जमाने को बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे क्यों एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो जैन? सिमरिया तुम्हें वाकई बहुत मुबारक हो, शादी नहीं टूटी, धोखा खत्म हुआ। लोग तो ऐसे तलाक ही कहेंगे ना। तुम्हें कब से लोगों की परवाह होने लगी? हाँ, जब हर चीज की वजह इंसान खुद बन जाए तो लोग परवाह दिलाने लगते हैं। मनाल तुम कोई और बात नहीं कर सकती? कहां गई वो मनाल जिसकी मोहब्बत ने मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था? बोलो। चला गया जैन। मनाल, जैन को हर वक्त तुम्हारा अपनी हार को सोचते रहना अच्छा नहीं लगता। मेरी जीत सबकी हार बनी है मरियम, मैं कैसे ना सोचूं? मनाल प्लीज, हम अपने दुख देखें या तुम्हें संभालें? और कुछ नहीं तो कम से कम इस वक्त तो खुद को संभाल लेती। मरियम बिल्कुल ठीक कह रही, तो मुझे परेशान से ज्यादा हैरान कर रही। आंटी आप खुद बताएं मैं क्या करूं? मैंने सबको कुर्बान करके अपनी खुशी हासिल की है, अब मैं खुद को कुर्बान करके दूसरों को खुशियां वापस देना चाहती हूं। क्या वापस दोगी? हाँ, किसी को नहीं चाहिए तुम्हारी कुर्बानी, किसी को खुशी नहीं दे सकती तुम, सब झूठी बात है। इंसान सिर्फ खुद को खुश कर सकता है, सिर्फ खुद को। मनाल तुम अपनी मोहब्बत बचाओ, अभी तो पहला पत्ता निकला है और तुम खुद ही उसके ऊपर आग फेंक रही। आंटी मैं क्या करूं, एक मर्जी की इतनी बड़ी सजा मिली है मेरे साथ सबको। मुझे लगता है जैन को मुझसे मोहब्बत नहीं हुई बल्कि सिर्फ एक माजूर से हमदर्दी हुई है। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मनाल और फीरा से बात करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोचा चल के आर की मुबारकबाद दे आऊं। आखिर वैसे ये पहली बारी होगा कि आर पे कोई मुबारक देने आया होगा, है ना? तुमने क्या सोचा था कि अपने उस नए दोस्त से मिलकर मेरे खिलाफ कुछ कर पाओगे? जो मजबूत है वो मजबूत ही रहेगा। इरफान अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ वरना वरना चलो तुम्हारे उस थानेदार दोस्त ने तुम्हें कुछ तो सिखाया, वरना तुम लोगों की क्या औकात थी कि तुम मेरे सामने फान! ओ सारा टोला ही इकट्ठा हो गया मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए। तुमने ही सबकी जिंदगी बर्बाद की है ना? किस लिए आया है मनुष्य शख्स? मनाल तुम अंदर जाओ आंटी, प्लीज अंदर लेके जाएं इसे। मनाल ये घटिया आदमी कहाँ है? तुम्हारे दिन पूरे हो गए इरफान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कुचल दूंगी अपने पैरों के नीचे। ओए अपना पैर पहले खुद तो सही जगह पे रख ले। बकवास बंद करो, छोड़ूंगी नहीं इसे। मनाल अंदर जाओ तुम। इसकी वजह से हुआ सब कुछ।
सलाम साहब जी। अहमदीन शुगर है ना तुझे, तेरे लिए ऊपर मिठाई छोड़ के आया हूं, खुशी है ना कार में तेरे, थोड़ी चख ले। अब गवाह है ना साथी कि ये आग आपने खुद बढ़ाई है और इसमें सिर्फ मेरा कर नहीं जलना, जानते हैं ना क्यों? क्योंकि आग अमीर और गरीब के फर्क को नहीं पहचानती, सब को जला देती है। वाह वाह, पूरे का पूरा कारी है, ऐसे एसएचओ को फॉलो कर रहा है। एक काम कर अहमदीन, उसे अपना दामाद क्यों नहीं बना? वैसे भी ती आजकल फारग है तेरी। इसे इसकी जुबान छीन ले इसकी जुबान इससे। आने दिया आप लोगों ने उसे यहाँ से? बहुत बेइज्जत होके गया है वो यहाँ से आज। नहीं, आप लोगों ने मुझे अंधा और माजूर समझकर उससे दूर किया है। वो एक बार फिर यहाँ आया और आग लगाकर यहाँ से चला गया है। जो कुछ आज उसके साथ हुआ है ना, यकीन मानो सबसे ज्यादा अजियत में वो इस वक्त खुद होगा, आई एम श्योर। आप मुझे अभी इसी वक्त इरफान के पास ले जाएं, खत्म करना है मुझे ये किस्सा। चुप इट बनाल, क्या बकवास है ये? जैन, इसे कुछ अरसे के लिए इसकी अम्मी के घर रहने दो, हमारे लिए बाहर की परेशानियां कम है, क्या हम अंदर की भी गिनने बैठ जाएं? ये लड़की संभलने पर ही नहीं आ रही। बाहर इरफान और घर में मनाल, हमारे लिए तो दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। मैं मनाल को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, इस वक्त इससे ज्यादा बड़ा एहसान और कोई नहीं होगा आपका। मरियम प्लीज, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। मनाल की तबीयत ठीक नहीं है, शी नीड्स टू बी अटेंडेड टू। लेकिन आंटी, आपके ले जाने से मसला हल तो नहीं होगा? मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, और वैसे भी उसका इस माहौल से निकलना बहुत जरूरी है। आप प्लीज उसे ले जाए अपने साथ। जब आपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लिया था, कैसे छूट गया वो? वो जेल से छूटा है, केस से नहीं। हमें बताओ हम कहां जाएं? बोरी हबिस्तर गोल करके किस शहर में चले जाएं? आपके दुश्मन जाएंगे, आप भला क्यों जाएंगे? सच तो ये है बेटा, अब अपनी इज्जत की हिफाजत भी मुश्किल हो गई है। हमारे पास कौन सी ऐसी जायदादें हैं कि हम उसका मुकाबला कर सके? मैंने अपने आला अफसरान से बकायदा लड़ाई की है, सबूत दिखाए हैं उनको। ये सिर्फ आप लोगों को तंग नहीं करता, प्लॉटों पर कब्जे और ये कपड़े और मशीनरी की स्मगलिंग, और भी बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं इसके। क्या तुम उसके मुलाजिम रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या? समझे, 2 महीने हुए हैं बस, प्रोग्राम करता था और वापस गया। अब तो इसके भी रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए हैं उसने। ये तो खैर इसकी अपनी सुस्ती की वजह से है। बुजुर्गों, आप इरफान की तरह से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ऐसी गिरी हुई बातें करके गया,
सोचते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। बुजुर्गों आप ये खाएं और फिक्र ना करें। आपको क्या लगता है वो मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ? पूरा महकमा उसे ताश के पत्तों की तरह फेंक के रख दिया है कि किसी तरीके से मेरा तबादला हो जाए या मैं सस्पेंड हो जाऊं। आप फिक्र ना करें, इस बार मैं उस पे हाथ नहीं डालूंगा बल्कि कोई और डालेगा। ये मेडिसिन तुम्हारे बैग में रख रही हूँ। हाँ मैंने ज़ैन के साथ अच्छा नहीं किया। क्यों मनाल? मोहब्बत अगर खुद गर्ज ना हो तो वो मोहब्बत ही नहीं होती। उसने खुद मुझसे ये कहा, मेरी मोहब्बत ने उसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया। तुम्हें तो इससे गर्ज होनी ही नहीं चाहिए कि ज़ैन को तुमसे मोहब्बत है या नहीं। तुम कोई कारोबार थोड़ा ही कर रही हो जिसमें तुम्हें प्रॉफिट चाहिए। लव इज ऑल अबाउट गिविंग। तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत से गर्ज होनी चाहिए, वो किए जाओ। तो फिर तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये मोहब्बत ही तो मुझसे कह रही है ये सब कुछ करने का। कुछ खामोशियां आवाज बन के धोखा देती है मनाल, इनके धोखे में ना आ जाना। जो कुछ तुम सोच रही हो अगर वो ठीक होता तो मैं तुम्हें खुद लेके जाती इरफान के पास। आंटी तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? हर कोई मुझे जिम्मेदार समझता है, मैं बोझ बन गई हूं सबके लिए। आपने नहीं सुना था कि मरियम ने क्या कहा? अब्बा जी भी मुझे कसूरवार समझते हैं। फीरा की तलाक, उसकी तलाक भी मेरी वजह से हुई है। तुम कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाओ, होने दो जो कुछ हो रहा है। किसी खामोशी या किसी आवाज का जवाब मत दो। तुम परेशान मत हो, मेडिसिन लिए ना सुबह तक तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैं तुम्हें सुबह हॉस्पिटल भी ले चलूंगी। चलो आओ, काफी रात हो गई, सो जाओ। हमजा जरा स्टोर जाके ना 5 किलो आटा और आधा आधा किलो मूंग की और मसूर की दाल ले आओ। ये तो कुल मिला के 6 किलो हो गया, मुझसे कहाँ उठाया जाएगा? तो किसी की मदद ले लेना, लो। और आलू भी ले आना। अब तो किसी की मदद ही लेनी पड़ेगी। अब इरफान की मदद नहीं है ना तो दूसरे सब लोगों की मदद देनी होगी। अम्मा खुदा के लिए उस आदमी का नाम मत लिया करे। क्यों? तलाक के बाद नाम लेना बुरी बात होती है। हाँ बुरी बात होती है। हमजा जाओ, देर हो रही है। सुनो पैसे संभाल के। हाँ ये आखिरी 1000 रुपए है मेरे पास, जाओ। इसके बाद अब पता नहीं क्या करेंगे हम। इसके बाद क्या हम भूखे मरेंगे? भूख से मरे ना मरे शर्म से जरूर मर जाना चाहिए। क्यों, तुम्हें आईना दिखा गया कोई? अम्मा खुदा के लिए घर फाकों पर आ गया और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। तुम अपने लिए कोई दूसरा अमीर शख्स ढूंढ, उसकी मर्जी और हमारी रोटी साथ साथ चली। क्या हो गया आपको अम्मा? क्या मैं इस तरह के काम करती हूँ? हद हो गई है, चले अंदर चले। मैं अपने फूलों से बातें कर रही हूँ। तो फूल भी अंदर लेके जा रही हूँ, चले आ जाए। अच्छा मैं आ जाए अम्मा।
अजाब बनकर आई हो तुम हमारे घर के। सही कह रही थी तुम। तुम्हें हमदर्दी की वजह से ही अपनाया मैंने, बोझ तुम मुझ पर, हम सब पर। मैं कितने सुकून से रह रही थी अपने घर में, मुझे तलाक दिलवा कर अब तुम खुश हो? खुदगर्ज़ है ये बेहिस, मेरी औलाद, मेरा सुकून सब छीन लिया है तुमने। सारे तमाशे इसी की वजह से तो हैं। और इरफान को हमारे पीछे लगा के तुम खुद अंधी हो गई। माजूर, खुदगर्ज़, बेहिस, ज़हन, ज़हन। आंटी, 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 आंटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी खैरियत करने के लिए मिलना था। आप तो जानती हैं कि इरफान जमानत करवा के निकल गया। जी इस बार जरा हम नाकाबले जमानत वाला डालना चाहते हैं। आप उसके साथ रही हैं, काफी मालूमात दे सकती हैं आप हमें। मुझे जो कुछ भी मालूम था वो तो सब बता चुकी हूँ आपको। चलें फिर आप हमें वो बता दें जो आपको मालूम नहीं है। जी मैं समझी नहीं। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ पुलिस स्टेशन ज़हन के साथ? एक्चुअली क्या है कि आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है और आप घर के अंदर आएंगे तो खामखा नेबर्स को और बातें और कहानियां बनाने का मौका मिल जाएगा। ओह अच्छा। अपी, नोट चाचा कह रहे हैं नकली नोट है। नकली नोट है? हाँ मैंने कहा ये हमारे पास आखिरी नोट है। तुम अंदर चलो, मैं चाचा से बात करती हूँ। बेटा इधर आओ, चलो मेरे साथ, चले तुम्हारे चाचा नूर के पास, देखते हैं वो इस जारी नोट को कैसे मना करते हैं। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप रहने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बेटा आओ।
तुम अकेली कैसे? सर, तुम आंटी को बताए बगैर आई हो? मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे इश्क के सिवा और कुछ नहीं किया है। अंदर तो आओ ना। नहीं, बस यही। क्या मतलब है? जैन, तुम पर एक बोझ हूँ, खुद गर्ज हूँ, बेहस हूँ। मनाल होश करो और अंदर आओ। तुम्हारी जिंदगी जितनी बर्बाद कर चुकी हूँ, अब उससे ज्यादा नहीं करना चाहती। देखो जैन, मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं होता कि कोई रिश्ता हो। तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। क्या मतलब? मुझे तलाक दे दो।